वहीं देश में बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आज बंगाल में 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वहीं टीएमसी बीजेपी पर वोटरों को परेशान करने का आरोप लगा रही है। इसी मुद्दे पर राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने जनतंत्र टीवी से की खास बातचीत, सुनिए। के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम जी, इनसे बात करते हैं। अगर बंगाल की बात करें तो टीएमसी नेता के घर से ईवीएम मिला है, इस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, वैसे तो पूरे मामले का संज्ञान जो है इलेक्शन कमीशन ले चुकी है। इलेक्शन कमीशन इस पर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि टीएमसी एक वो पार्टी है जिसको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि हारने वाली पार्टी है। इस तरह की चीज़ें जो है, कल तक वो हमको इस बात कह रहे थे, लेकिन अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि वो पार्टी किस तरह से गलत काम में मुलव्वस है। साथ साथ चूँकि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान ले चुके, इस पर इलेक्शन कमीशन बोलेगी, लेकिन उनको अपने गरिमा में झांक के देखना चाहिए। और साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीएमसी के नेता, उनको अब हार दिख रही है, और हारने वाली पार्टी जो है कभी शासन को, कभी प्रशासन को, कभी पार्टियों को, कभी इलेक्शन कमीशन को अलग अलग तरीके से कटघरे में खड़े करने की कोशिश करती थी, लेकिन आज खुद उसको समझ में आ गया है कि जनता का विश्वास तो हार ही चुके थे, अब लोग जो देखने वाले जो बाहर भी लोग हैं, जो मतदाता नहीं हैं, उनका भी विश्वास खो चुके हैं जिस तरह से ईवीएम उनके घर पर मिला है। देने के लिए शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे जफर इस्लाम साहब को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि असम में हम दोहराएंगे, बाकी जगहों पर परिवर्तन होगा। हालांकि कितना परिवर्तन होगा, ये 2 मई को तस्वीरें साफ होंगी। कैमरा पर्सन शेरा के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतन टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।